pistol. Battle axe. Back windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. The one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, मज़े में होंगे और खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो आज हम जो आप दिखाएंगे वो आपको पूरा रेड फोर्ट दिखाएंगे, लाल किले को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ का स्टेप बाई स्टेप जैसे म्यूजियम जो भी वहाँ है वो हमने आज सारा एक्सप्लोर किया है इसमें। और इसमें हमने लाल किले के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो भी नए नए हमें मतलब नए नए देखने को हमें मिला, हमने जिसने सारा वो एक्सप्लोर किया, तो आज हम वही एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में निज़ामिया जो दरगाह शरीफ निज़ामिया दिल्ली में, फिर उसके बाद यही दिखाएंगे। आज हम दिल्ली का लाल किला दिखाएंगे आपको। चलो अब बढ़ते वीडियो की तरफ बिना आपका टाइम ज़ाया करते हुए, सो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स हुआ हमारा सफ़र स्टार्ट लाल किला की तरफ। तो अब हम रेड फोर्ट पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो फ्रेंड्स हम पहुंचे हैं लाल किला। तो रेड फोर्ट हम पहुंच के ये इसका एंटर गेट है, तो ये आप देख सकते हो रेड फोर्ट लाल किला। तो ये बहुत ही बड़ा किला है, बहुत ही बड़ा फोर्ट है, तो आप ये देख सकते हो। आज हम पूरा ये एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है यह लाल किला मतलब रेड फोर्ट, तो आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताओ ये जो ये पेड़ है ये देखो ये कैसे है, जो इसके रूट से वो देखो ऊपर से ही नीचे आए, तो ये देखने वाली चीज़ है। तो ये बताओ ये क्या सिस्टम है। तो ये देख सकते हो आप लाल किला जो एंटर गेट है, तो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं। तो अब हम जाएंगे अंदर और इसको करेंगे अंदर से एक्सप्लोर। तो आप देखते रहे और जुड़े रहे और वीडियो पे प्यार दिखाते रहे तब से। ये फ्रेंड्स यहाँ से एंटर गेट है, तो यहाँ से हम एंट्री ली। तो अब जाएंगे अंदर की तरफ। तो ये है यहाँ से एंट्री। तो आगे भीड़ भी बहुत है, वो आप देख भी सकते हो अंदर कितनी भीड़ रहती है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट भी है अपना, वो भी हम दिखाएंगे आपको। चलो बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी है, लोग यहाँ पर काफ़ी आ चुके हैं आज। आज यहाँ से फ्राइडे भी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या बेचते हैं, मगर ये यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट भी बेचते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं। तो ये देखिए अंदर का सीन, जो अंदर का गार्डन का सिस्टम है वो बिल्कुल मतलब प्यारा सा है, ज़बरदस्त नेचर है यहाँ का। तो अब हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे फोटो शूट हो, यहाँ पे वहाँ बादशाह का कुछ सिस्टम रहा होगा, तो अभी हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, यह है म्यूज़ियम यहाँ का। इंडियंस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रानी लक्ष्मी, फ्री इंडिया। ये देखो बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मी, एकदम 3D जैसा लगता है, लेकिन ये जो है ये वॉलपेपर है। ये जो है ये बहुत अच्छा जफर पेन होल्डर, न्यूज़पेपर ऑफ 1857 बहुत अच्छा, 1817 में स्केच में। पिस्तौल 1857 के पिस्तौल है। जिगर बैटल एक्स राइफल। ये जो भी आपने देखा है ये यहाँ की गैलरी मतलब म्यूजियम है, यहाँ पे जो भी उनका पुराने चीज़ें हैं कुछ वो यहाँ पे है। तो ये आप पूरा देख सकते, जैसे हमने पिस्तौल वो एक्स एरर वो सब कुछ जो है वो भी दिखाया, तो ये भी देख सकते हो। गाउन ऑफ बहादुर शाह, ये उसका गाउन है और उसकी बेगम का वो भी है सिकर, वो भी हमने आपको दिखाया, उनके कपड़े जो है वो आप देख सकते हो। तो अभी हम आए यहाँ के दूसरे म्यूजियम में यादव जलिया में। तो यहाँ पर सुन सकते हो जो सॉन्ग आप बैकग्राउंड में भी सुन पा रहे होगे। तो ये हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे थोड़ा इन्होंने मॉडिफिकेशन किए, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इंडिया कंट्री ऑफ द वॉर, इसका नाम है जलिया, यादव जलिया द गिफ्ट ऑफ इंडिया विक्टोरिया क्रॉस। यहाँ पे यही कुछ यहाँ पे ज़्यादा गैलरी है, लेकिन इससे पहले हमने आपको दिखाया जहाँ पे कुछ पुराने ज़माने के वो राइफल उनके कपड़े एक्स्ट्रा वो सब वो हमने ऑलरेडी दिखाई। और आज हम बिल्कुल आपको अच्छे से दिखाएंगे जो भी ये म्यूज़ियम का सिस्टम है, और रेड फोर्ट हमने पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश की और भी करेंगे।
और हम यही चाहते हैं कि आप रेड फोर्ट के बारे में मतलब जितना हमको पता लगे हम आपसे वो शेयर करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ये रुपये बंदूक और वर्द कौन लगाएगा, वही जो फौज में फौरन भर्ती होगा वही। और ये क्या है, ये जो ये मॉस्क रियलिटीज। अभी हम चले कैफेटेरिया के ओर क्योंकि भूख बहुत लग चुकी है, पेट में अभी चूहे दौड़ रहे हैं, तो अब हम अभी जाएंगे कैफेटेरिया में। क्या छोड़ा तो अब हम जा रहे हैं अभी कैफेटेरिया, भूख बहुत लग चुकी है, तो हमने अभी आपको बहुत सा म्यूजियम मतलब म्यूजियम में बहुत कुछ दिखाया है। अब कैफेटेरिया में जाएंगे, रेड फोर्ट के अंदर ही कैफेटेरिया है, तो बस आगे चलना आपको लास्ट में आता है कैफेटेरिया। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाएंगे उसके बाद आपसे कंटिन्यू बात करेंगे। लेट्स गो। सकते भी यहाँ पर कैफेटेरिया मगर यहाँ पे खड़ा खाना पड़ता है, ये कौन सा मतलब मसल रिवाज है। चलो अंदर देखते क्या करते हैं ऑर्डर। ये देखिए यहाँ के कैफेटेरिया में क्या है, मिठाई कुछ रोल वो, तो हम यहाँ पे रोल दो ऑर्डर दिए तीन सारी, तो आगे का प्रॉब्लम। स्प्रिंग रोल, वेज स्प्रिंग रोल। तो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं वापस, आपने देखा होगा जो आज का प्रोसेस रहा रेड फोर्ट का वो हमने आज सारा दिखाया। तो अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो बनाएंगे निज़ामिया पे और करोल बाग कुछ मार्केट है वो उस पे बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है इसलिए वो उसका अलग सा पार्ट आएगा। चलो लेट्स गो। तो फाइनली फ्रेंड्स रूम पे हम पहुंच चुके हैं, आज पूरा दिन रेड फोर्ट ने खाया है, तो लाल किले ने पूरा दिन खाया, वहाँ बहुत थक चुके हैं, उसके बाद करोल बाग गए और अब हम फाइनली रूम पे आए। तो अब हमने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया जोमेटो से किया आज फिर से, तो अब हम करते हैं काम आप इस व्लॉग का एकदम यहीं पे करते हैं, और इस व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिखाना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल हमारा सफ़र जो है वो जा रहा है डायरेक्ट राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान के बाद हम केरला का, हमने केरला का भी प्लान बनाया फिर वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अब करते हैं इस व्लॉग का एकदम यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू ऑल।